वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है उसका लॉस्ट। एक दूसरा आता है इसका फाउंड। लॉस्ट का अर्थ होता है जब कोई वस्तु खो जाती है, उसके बारे में के अंदर अपने को क्या रिटर्न करना पड़ता है। और सेकंड होता है फाउंड, ये जब हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, जैसे दैट सपोज हम अपने रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं, या स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर या टेम्पल कहीं पर भी जा रहे हैं, अपने कोई वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, तो उसके बारे में जब भी अपने को एडवर्टाइजमेंट राइट करना पड़ता है तो वो अपने फाउंड का राइट करेंगे। और यदि हमारे स्वयं की कोई वस्तु खो जाती है और उसके संदर्भ के अंदर अपने को यदि कोई टॉपिक राइट करना पड़ता है तो वो एडवर्टाइजमेंट है लॉस्ट का। ये एक्चुअली दोनों है वो सिमिलर होती है, बिल्कुल समान एक रूप से ही लिखे जाते हैं, अपने दोनों को एक साथ ही अपने इसमें क्या करेंगे, राइट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक के लिए करना क्या पड़ता है हमें, सबसे पहले चाहे वो लॉस्ट का हो चाहे वो फाउंड का हो, इसके लिए एक अपने कॉलम बना करके और अपने क्या करेंगे, हेडिंग राइट करेंगे। सबसे पहले लॉस्ट आ जाए चाहे फाउंड आ जाए, उसके अपने कैपिटल वर्ड के अंदर अपने हेडिंग लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि वस्तु खोई है या वस्तु क्या है, प्राप्त हुई है, भी लॉस्ट हुई है या क्या फाउंड हुई है। सेकेंड, उसके जस्ट बाद अपने दोबारा नेम राइट करेंगे, भी लॉस्ट हुई है कोई भी, जैसे अपने थिंग है कोई वस्तु है वो क्या हो गई है, लॉस्ट हुई है। जैसे अपने कोई पर्स के ऊपर कर लेते हैं कि कोई पर्स किसी का खो गया है, तो अपने लिखेंगे भी लॉस्ट ए पर्स, ठीक है। उसके बाद के अंदर उस वस्तु का कलर, कौन से कलर के, कलर ऑफ आर्टिकल, भी कौन से कलर की वो वस्तु है जो हमारी लॉस्ट हुई है या फाउंड हुई है। उसके जस्ट बाद उसकी वैरायटी, जैसे पर्स है वो लेदर का होता है, या फिर कोई अदर कोई यदि थिंग हो जिसकी कोई कंपनी हो, चाहे एडिडास हो या पुमा हो, उनको अपने क्या करेंगे, राइट करेंगे इसके अंदर ऑफ, उसके बाद कंपनी ऑफ द आर्टिकल। सेकंड नंबर पे जस्ट उसके बाद अपने कंटेनिंग ये वर्ड लिख करके, कंटेनिंग ये वर्ड लिख करके उसके प्लस के अंदर, उसके अंदर चाहे वो केस हो, ठीक है, चाहे वो यानी कोई डॉक्यूमेंट हो, उस वर्ड को क्या करेंगे, राइट करेंगे। उसके जस्ट बाद है कौन सी डेट को वो लॉस्ट हुई थी या फाउंड हुई थी, या फिर उसका जो टाइम है वो लिखेंगे, या कौन से स्थान पे वो वस्तु क्या है, लॉस्ट या फाउंड हुई है, उसको अपने क्या करेंगे, राइट करेंगे। जस्ट उसके बाद के अंदर अपने को यदि लॉस्ट वाला टॉपिक अपने एडवर्टाइजमेंट राइट करें, गाइस यदि लॉस्ट वाला टॉपिक अपने राइट करें, तब अपने को क्या लिखना पड़ेगा, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द सेम इन द ऑफिस, जिस इंसान को या जिस पर्सन को यदि ये वस्तु फाइंड होती है, मिलती है, या तो वो क्या करे, ऑफिस है जैसे, या तो स्कूल ऑफिस होगा या अंडरसाइनेड किया हुआ होगा, भी पहले से अपने को एक एड्रेस बताया हुआ होगा, भी उस एड्रेस पे हमें क्या करना है, राइट करना है, तो अपने क्या करेंगे, वो टॉपिक राइट कर देंगे। ये लाइन है, रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द सेम इन द ऑफिस। उसके बाद के अंदर एक लॉस्ट होने की स्थिति के अंदर, सिर्फ ओनली जब वस्तु क्या हो, खोई हुई हो, या वस्तु खोया हुआ हो, या खोए हुए होने की स्थिति के अंदर अपने क्या करेंगे, ये राइट करेंगे, ठीक है। ओनली लॉस्ट की सिचुएशन पे अपने ये लाइन राइट करेंगे, टी इज प्रोमिस्ड, जो व्यक्ति वस्तु को वापिस दे देगा उसके साथ क्या है, चाय का वादा किया जाता है। और उसके बाद में अपना नाम लिख करके और संपूर्ण इस मैटर को एक डायग्राम के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे आप एक क्वेश्चन करवा रहा हूं वो देखिएगा, तो ये बनाया हुआ है, ये है एक पर्स, ठीक है। इसका क्वेश्चन मतलब एक अपने इमेजिन क्या है कि एक पर्स है वो क्या हो गया, अपना लॉस्ट हो गया है। इसके लिए अपने सबसे पहले देखिए, जैसे पर्स एक लॉस्ट हुआ है, इसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाया गया, जिसे मैंने पहले रूल बताया था आपको, उस रूल के हिसाब से अपने एक बॉक्स बनाया, जिसके अंदर अपने फर्स्ट एक ओनली वन टाइप या फर्स्ट बार अपने को क्या करना है, लॉस्ट नाम लिखना पड़ेगा, वो भी कैपिटल वर्ड के अंदर। सेकेंड बार अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो वस्तु लॉस्ट हुई है तो अपने क्या करेंगे, लॉस्ट, उसके जस्ट बाद वस्तु का नाम, मतलब जैसे कलर बोल सकते हैं अपने, लॉस्ट ए ब्लैक कलर क्या हुआ है, लेदर वुडलैंड पर्स, ये हमारा क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है। इसके अंदर ये वैरायटी आ गई है वुडलैंड, ये जो कंपनी हो गई, ठीक है, और उसके बाद में पर्स। उसके बाद में मैंने मीनिंग बताया था कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब इसके साथ के अंदर, इसके अंदर क्या था, इसके साथ में कंटेनिंग एक ड्राइवर लाइसेंस था और एंड सम केस भी इसके अंदर था। उसके बाद में ऑन टू जून, ये दो जून, ये आप जो डेट लगाओ एग्जाम दो, यदि क्वेश्चन के अंदर वैसे नहीं आती है कोई भी डेट, प्रश्न पत्र के अंदर कोई भी डेट नहीं दिया होता है, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम दो आप वो डेट लिख सकते हो ऑन लगा करके। बस ध्यान इतना रखना है कि कोई भी जब डेट आएगी तो उससे पहले अपने को ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में एट प्रीपोजिशंस, जो ग्राउंड 9 AM एंटी मेरिडन, ठीक है, सुबह का समय था। एट सेकेंड जो है वो हमारा क्या है, पहले से ये मेन पॉइंट है, सेकेंड है, यहां पर हमारा जो क्या हुआ है, ये पर्स है वो लॉस्ट हुआ था।
उसके बाद थोड़ा दोबारा एक रिवाइज कर लेते हैं कि लोस्ट एक वस्तु खोई हमारी जो ब्लैक कलर की थी और लेदर की है, वुडलैंड कंपनी का पर्स है, उसके अंदर कंटेनिंग ए ड्राइवर लाइसेंस, उसके अंदर एक ड्राइवर लाइसेंस था विद या एंड सम कैश ऑन, साथ के अंदर उसके अंदर क्या था, कुछ पैसे भी थे, ऑन टू जॉन एच ग्राउंड 9 एट सेकेट, जो क्या है सेकेट के अंदर क्या हो गया था, लोस्ट हो गया था। उसके बाद के अंदर यदि इफ वांट अ फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट दी, यदि फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, प्राप्त करने वाले से गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि टू डिपॉजिट दी सैम इन स्कूल ऑफिस, कि वो उसको किस में जमा करवा दे, स्कूल ऑफिस में करवा दे, और टी इज प्रॉमिस्ड चाय का, उससे क्या है वादा किया जाता है, उसका नाम क्या है, आर्यन शर्मा, 12th ए सेक्शन से है, ये एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, प्रश्न पत्र के अंदर एग्जामिनेशन में दिया हुआ आता है, तब तो अपने नेम राइट वो कर देंगे, जैसे अपने बोलते हैं ना दैट्स पास योर नेम इज महेश कुमार, इस प्रकार से वो होता है तो वो राइट कर देंगे, और नहीं होता तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे अपना कोई भी नाम है राइट कर सकते हो। अब ये तो गया अपने लोस्ट का, यदि फाउंड होता तब अपने क्या करते, तो जहां पर लोस्ट लिखा हुआ है, जहां पर लोस्ट लिखा हुआ है इस स्थान पे अपने कैपिटल वर्ड के अंदर किसका प्रयोग करते, फाउंड का करते। उसके बाद में यहाँ पे फाउंड वर्ड है, यहाँ पर फाउंड राइट करना पड़ता, फाउंड ए ब्लैक लेदर वुडलैंड पर्स कंटेनिंग ए ड्राइवर लाइसेंस एंड सम कैश, और आगे जो कहते हो यहां तक आप क्या करते हो, कर देते, लिख देते। ये जो लाइन है फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट दी सेम इन स्कूल ऑफिस, यहां इसको थोड़ा चेंज करके अपने को लिखना पड़ता है, अभी इफ एनी पर्सन में भी कॉन्टेक्ट है स्कूल ऑफिस है, और उसके बाद में आप कोई टाइम लिख सकते हो, इस समय से इस समय के बीच में आपको विद्यालय में क्या करना है, मीटिंग करनी है, आपको मिलना है, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पर्स है वो आप जो फाउंड हुआ है वो आपको रिसीव हो सकता है। उसके अंदर फाउंड वाले के अंदर कभी भी टीज प्रोमिस्ड ये वाक्य या ये सेंटेंस का यूज उसमें कॉलिंग नहीं किया जाता है। हाँ, अपना नाम लिख सकते हो और चाहो तो स्कूल का एड्रेस है वो भी अपने इसमें क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इस संपूर्ण मैटर को एक बॉक्स के अंदर, एक मतलब सेकंड बॉक्स जो हमारा फर्स्ट बॉक्स ये हो गया, सेकंड बॉक्स ये है, इसको अपने स्केल के द्वारा क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, यदि कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आपके पास मेरे जो स्कूल के या ब्रांच से आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो, और वहां से मेरे से आप डायरेक्टली क्या है मीट कर सकते हो, डायरेक्टली बात करो, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप या तो स्कूल के ग्रुप के अंदर उसमें अपनी समस्या लिखो, या फिर मुझसे डायरेक्ट आप क्या करो, संपर्क कर लो। और इस प्रकार से जितनी भी एडवर्टाइज है, जैसे मैंने कल आपको एडवर्टाइजमेंट करवाई थी मैट्रिमोनियल्स की करवाई थी सॉरी, उसके बाद में आज मैंने लॉस्ट की करवा दी और फाउंड की करवा दी, अभी इन तीनों की जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैं ग्रुप के अंदर क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।